आज हम जाएंगे वहां जहां भस्मासुर का संहार हुआ था। आज हम जाएंगे वहां जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास निकाला था। आज हम ले जाएंगे आपको उस शिखर पे जहां से भीम ने स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बनाई थी, 75 फीट के शिवलिंग में जहां साक्षात शिव बसते हैं। आज हम जाएंगे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक्स पे। आज हम जाएंगे साक्षात देवों के देव महादेव के पास। आज की वीडियो बेहद खास है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक्स पे। आज हम जा रहे हैं श्रीखंड महादेव पे। ये यात्रा 2021 के लिए अनऑफिशियली खुल चुकी है। ये ट्रैक 70 किलोमीटर का है टोटल, 35 किलोमीटर वन वे, और ये डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट से काफी हाई है। हम इस ट्रैक पे 2 बार जा चुके हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं कि जब तक वो हायर एनर्जी नहीं जाती तब तक आप उस शिवलिंग तक नहीं पहुंच पाते। हमने लोगों को बहुत जल्दी वापस आते हुए देखा है और हमने लोगों को शिवलिंग के इतने करीब से वापस आते हुए देखा है। हमने लोगों को मौत के मुंह में जाते हुए देखा है। ये ट्रैक बहुत डिफिकल्ट है, पर जैसे हम इस ट्रैक पे आपको आगे लेके जाएंगे शानदार नजारों के साथ साथ हम आपको ऐसी माइथोलॉजिकल कहानियां बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो बिना देरी किए हुए महादेव का नाम लेके इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस सफर की शुरुआत की हमने दिल्ली से बेस कैंप जाओ विलेज के लिए, जो पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये पूरा सफर करीब 520 किलोमीटर का है। हमने रूट फॉलो किया दिल्ली से शिमला, वहां से नारकंडा होते हुए रामपुर बुशर, रामपुर बुशर से मुड़ना है आपको निर्मंद तहसील की ओर, और वहां से आगे मिलेगा जाओ विलेज। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो दिल्ली या शिमला ISBT से किन्नौर की कोई भी बस लेकर आप लोग रामपुर बुशर उतर सकते हैं और वहां से जाओ विलेज के लिए बस ले सकते हैं। पहला दिन खत्म होने पर हम लोग बेस कैंप पहुंच गए थे। वहां हमने रात के लिए एक कमरा लिया जिसका किराया करीब 800 रुपये था। सुबह हम जल्दी उठे और इस मंजिल की पहले पड़ाव की ओर चल दिए। पहली डेस्टिनेशन हमारी थी सिंघाड़। जाओ विलेज से सिंघाड़ का रास्ता करीब 3 किलोमीटर का ट्रैक है और यहीं से बेहद खूबसूरत नज़ारे आपके साथ चलने शुरू हो जाते हैं। सिंघाड़ में होता है आपका रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सब नोट किया जाता है। ये ऑन द स्पॉट हो जाता है और यहाँ से हम चलते हैं आगे। अगला दिन खत्म होने तक हमें पहुंचना है अपने दूसरे इम्पोर्टेंट पड़ाव पे, जो कि है थाचड़ू। सिंघाड़ से थाचड़ू का रास्ता 12 किलोमीटर का ट्रैक है और ये मॉडरेटली टफ ट्रैक है। इस सफर के ऊपर आपको मिलते हैं काफी ट्रिकी पैचेस। अब इसको ही लीजिए, आपको यहाँ पे फूक फूक के कदम रखना है क्योंकि राइट साइड पे काफी तेज पानी का बहाव है। श्रीखंड महादेव का ट्रैक 2 साइड से हो सकता है, एक तो जाओ विलेज जहाँ से हमने किया है और दूसरी साइड है अरसो, पर ज्यादातर लोग इसको जाओ विलेज से करते हैं इसलिए हम आपको यही रेकमेंड करेंगे। और इस पॉइंट पे हो रहा है आपका रजिस्ट्रेशन फिर से, और अब हम क्रॉस कर रहे हैं बराती नाला, जो अगेन एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। इसके बाद का रियल ट्रैक हमारा बचा हुआ है जो कि देवदार के फॉरेस्ट से जाएगा और काफी डिफिकल्ट है। यहाँ से थाचड़ू का सफर करीब 6 से 8 घंटे लेता है और ये मान के चलिए कि इस ट्रैक पे ये आपकी पहली कठिन परीक्षा है। हमने बहुत लोगों को यहीं से वापस आते हुए देखा है। हम ये आपको दिखाना तो नहीं चाहते, पर ये इस ट्रैक की सच्चाई है कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी है इस ट्रैक के ऊपर। हर साल कुछ लोग यहाँ पे ज़रूर मरते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही ये सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है, स्टीपनेस काफ़ी बढ़ती जा रही है और शरीर में बहुत थकान आ जाती है। और शाम होते होते काफी थके हुए हम पहुंच गए थाचड़ू। इस ट्रैक पे मिले हमें बहुत सारे लोग जो 60 इयर्स प्लस थे। ये सिंपल एग्जांपल ये दर्शाता है कि इस ट्रैक को करने के लिए फिजिकल फिटनेस के जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है आपका मेंटल विल और डिटर्मिनेशन।
सब लोग नॉर्मली थाचड़ो रुकते हैं, लेकिन हम लोग रुके थे काली टॉप। हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप लोग थाचड़ो रुके, क्योंकि यहाँ पे खाने के और स्टे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सबके लिए फ्री में भंडारा भी लगता है। यहाँ से काली टॉप का रास्ता 3 किलोमीटर का ट्रैक है, जो मॉडरेट से काफ़ी डिफिकल्ट लेवल पे है। हम आपको ये डेड बॉडीज दिखा के डराना नहीं चाहते, बट समझाना चाहते हैं कि इस ट्रैक को बहुत सीरियसली लेना कितना ज़रूरी है। अगर आपने इससे पहले हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक नहीं किया है या फिर आपको AMS की दिक्कत है, तो आप इस ट्रैक को अवॉइड करें। चलते चलते पैर साथ देना बंद कर देते हैं, पर नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि वो आपको रूह को सुकून देते हैं और थकान को भुलाने लगते हैं। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, आप देखेंगे कि स्टीपनेस कैसे बढ़ती जा रही है, पर साथ में माहौल और मौसम दोनों बदलता जा रहा है। आगे आने वाली जो जगह है, उनके नाम से ही आप इनकी माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम आपको हर जगह की कहानी बताते चलेंगे। अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आपके सामने जो नज़ारा आने वाला है वो स्वर्ग से कम नहीं है। ये जगह कहलाती है काली टॉप, और यहाँ पे काली माता का एक छोटा सा मंदिर है। सामने का नज़ारा देखिए, आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन आगे बहुत बड़ा सफ़र आज हमारा इंतज़ार कर रहा था। तो अब हम चल रहे हैं भीम द्वार के लिए, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर का बेहद मुश्किल ट्रैक है। पांडव यहाँ पे अपने अज्ञातवास के दौरान बहुत सालों तक रहे और महादेव की उपासना की, और इसलिए काफ़ी जगह के नाम भीम के नाम पे हैं। इस वाले पैच में हमें ट्रैक करते हुए काफ़ी माउंटेन्स के नीचे जाना है और फिर वापस ऊपर चढ़ना है। ये ट्रैक बहुत ध्यान से आपको करना है। अब आपको बताते हैं श्रीखंड महादेव की मान्यता की कहानी। भस्मासुर नाम का एक असुर हुआ करता था। उसने बहुत तपस्या करके महादेव से ये आशीर्वाद लिया कि वो जिसके ऊपर भी हाथ रखे वो भस्म हो जाए। महादेव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको दिया भस्म कंगन, जो उसने देवताओं के खिलाफ यूज करने को लिया था, पर उसमें इतना घमंड आ गया कि उसने ये स्वयं श्री महादेव पे इस्तेमाल करने का सोचा। जहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया था, निर्मन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मंदिर पड़ता है नीचे, जिसको कहते हैं देव ढांक। बोला जाता है कि महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान होके श्रीखंड के टॉप पर चले गए थे। इस पहाड़ की चोटी पर आकर तपस्या में लीन हो गए और एक पत्थर में समा गए। उधर विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर से उसका हाथ उसके सर पर रखवाकर उसको भस्म कर दिया। आगे आगे हम देखेंगे कि कैसे पार्वती माता ने उनको तपस्या कर उस समाधि से निकाला। हम थोड़ी सी माफी चाहेंगे आपसे कि ये वाली वीडियो आपको कंपैरेटिवली शेकी लगेगी, पर ये ट्रैक बहुत डिफिकल्ट था और फुल कंसंट्रेशन यहाँ रिक्वायर्ड था, इसलिए हमने गोप्रो को अपने सर पे माउंट कर लिया था। और बड़ी मुश्किल से बीच बीच में ऐसे प्लेजेंट पैचेस मिलते थे वॉक करने के, जहाँ शरीर थोड़ा आराम ले पाता था, पैरों को थोड़ा सुकून मिल पाता था, वरना पूरे टाइम चढ़ाई और इतनी डिफ़िकल्ट उतराई है कि शरीर हिम्मत छोड़ देता है। यहाँ मिलेंगे आपको इतने वैरायटी के फ्लावर्स, जो शायद आपको वैल्यू ऑफ फ्लावर्स में ही मिलते हैं। जैसा कि आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये ट्रैक खुलता है बारिश के मौसम में, और उसकी वजह से मिट्टी बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो रखी होती है। जैसे अब आप आगे देखिए, हम ये पैच क्रॉस कर रहे हैं जिसमें बहुत ही सीधा ग्रेडियंट है नीचे की तरफ जाने का। अगर आपने अपना पैर संभाल के नहीं रखा, तो आप उस गलती का नुकसान चुका नहीं पाएंगे। आगे हमें मिलने वाले हैं बहुत सारे झरने, जिनको पार करके हमें आगे निकलना है। ये झरने जितने खूबसूरत हैं, उतने ही डरावने हैं। जैसा कि ये वाला झरना, इसमें हमें थोड़ा नीचे जाना है,
और एक कोने पे जहाँ पे ज़रा सा पैर रखने की जगह है, यहाँ से दूसरी साइड जाना है। ये मेल्टेड ग्लेशियर, मेल्टेड स्नो बहुत ही रिस्की होती है इस टाइम पे। कुंसा से भीमद्वार का सफर करीब 3 किलोमीटर का है और इसको करने में करीब 2 घंटे लगेंगे। इस वाले पैच पे आपको मिलेंगे बहुत ही रेयर हिमालयन फ्लावर्स पीसेस। ये वाला पैच कंपैरेटिवली कम डिफिकल्ट है, बट हाँ, बारिश होने की वजह से रिस्क की कंटिन्यू रहेगा। झरनों की वजह से जो ये स्नो पिघल रही है, इस पे पैर रखना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि ये आपके बोझ से अंदर जा सकती है और आप पानी के बहाव में बह सकते हैं। यहाँ फूक फूक के कदम रखना बहुत जरूरी है। अब हम क्रॉस कर रहे हैं भीमद्वार को, जो लैंड ऑफ वाटरफॉल्स भी कहलाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत खूबसूरत वाटरफॉल हैं। अगर आप लोग शाम होते होते भीमद्वार तक पहुंचते हैं, तो हम आपको हाईली रेकमेंड करेंगे कि आप लोग यहीं पे रुकिए, क्योंकि पार्वती बाग पे स्टे ऑप्शंस और बेसिक फैसिलिटीज बहुत कम है। हम बहुत थक चुके थे, लेकिन हमें तब भी लगा कि थोड़ी हिम्मत और बांध के हमें पार्वती बाग जाना चाहिए। यहाँ से पार्वती बाग 2 किलोमीटर है। अगर आप भीमद्वार रुकना पसंद करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अगले दिन सुबह 3 से 4 बजे के आसपास आपको श्रीखंड महादेव के लिए निकलना होगा। आपको सुबह 3 बजे इसलिए निकलना है ताकि आप 12 या 1 बजे से पहले पहले दोपहर के श्रीखंड महादेव के दर्शन करके वापस नीचे के लिए चल दें, क्योंकि उसके बाद ऊपर धुंध हो जाती है और कई बार बहुत ही ज़्यादा मौसम बिगड़ सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें मिलने वाली है बहुत सारी जमी हुई बर्फ, जिस पे चलना बहुत ट्रिकी होता है। झरना जो आप देख रहे हैं, ये 100 मीटर की हाइट से गिरता है और बोला जाता है कि महादेव को समाधि से निकालने के लिए पार्वती माँ उन्हें यहाँ नहाने स्नान करने के लिए उत्साहित करती थी, इसलिए इस जगह को कहते हैं पार्वती झरना। और इस जगह की खूबसूरती मेरे लिए शब्दों में बयां करना बहुत नामुमकिन है। इस ग्लेशियर को क्रॉस करने के बाद हमारे पास आए सामने एक पहाड़, जिसकी चढ़ाई बहुत मुश्किल थी, कम से कम 40 से 50 डिग्री स्टीप थी। और शरीर ने मानो बिल्कुल साथ छोड़ दिया, लेकिन महादेव का नाम लेते लेते हम पहुंच गए पार्वती बाग। वहां हम रात को रुके और सुबह भयंकर खूबसूरत नजारों ने हमारा स्वागत किया। अब हम जाएंगे पार्वती बाग से नयन सरोवर। हम आगे आपको बताएंगे कि इसको नयन सरोवर क्यों कहते हैं। पार्वती बाग पे हम सुबह जल्दी 5 बजे उठे और इस सफर को जारी किया, क्योंकि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत लंबा होने वाला था। जैसे जैसे आगे चलेंगे, बर्फ बढ़ती जाएगी और ये पूरा ट्रैक जो बचा हुआ है, ये बर्फ के ऊपर होगा। अगर आपने स्नो ट्रैक किया है, तो आपको इसकी डिफिकल्टीज का पूरा अंदाजा होगा। यहाँ बर्फ के अलावा चढ़ाई भी बहुत स्टीप होती जाने वाली है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस पूरे ट्रैक पे वेदर बहुत ऑफन चेंज होता है, कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी धूप। आपको 2-3 बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि आपको बहुत लाइट वेट पैक करके चलना है, क्योंकि बहुत लंबा सफर है, थकान जल्दी हो जाएगी। आपको अपने साथ पानी की एक बॉटल रखनी है और ध्यान रखिए, नयन सरोवर श्रीखंड महादेव से पहले आखिरी पड़ाव है जहाँ पे आपको पानी मिलेगा, इसके बाद आपको कोई पानी नहीं मिलेगा। अब हमारे और श्रीखंड महादेव जी के बीच में पड़ता है नयन सरोवर, जो हमारा सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन है। ऐसा बोला जाता है कि ये सरोवर पार्वती जी के आंसुओं से बना हुआ है, क्योंकि शिव जी भगवान समाधि पे चले गए थे, तो उनके विलाप में ये पूरा सरोवर उनके आंसुओं से भर गया। नयन सरोवर से श्रीखंड महादेव का रास्ता 3 किलोमीटर का है और ये इस ट्रैक का सबसे डिफिकल्ट पैच है। वापस आते हैं जरूरी चीजों के ऊपर। आपको एक बहुत अच्छे पेयर ऑफ ट्रैकिंग शूज चाहिए, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं, अभी जो बर्फ का पैच है,
अगर इस पे आपका पैर फिसला तो आप सीधा नीचे जाएंगे। और आपको चाहिए एक विंडशीटर और सबसे इम्पॉर्टेंट एक लाइट वेट वार्म रखने वाली जैकेट। ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ऑक्सीजन घटता जाएगा और टेम्परेचर भी साथ में, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, हवा बहुत तेज़ चलती है। ताकि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों पैर एक साथ रखने का रास्ता नहीं है। अपने पैरों को एक के आगे एक रखते हुए बहुत संभाल के ध्यान से चलना है, क्योंकि यहाँ पर फिसलना बहुत भारी पड़ेगा। आगे का रास्ता 60-70 degree इंक्लिनेशन पर है। सांस वगैरह तो ठीक से आ रहा है ना? लंबी लंबी सांस लो। अगर आपको लग रहा है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज वापस चले जाइए, क्योंकि यहाँ के बाद ऊपर ऑक्सीजन की और कमी है। कोई भी ट्रैक आपकी जान से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपको क्रॉस करने हैं बड़े बड़े पत्थर, और यकीन मानिए इस टाइम तक शरीर की सारी ताकत जा चुकी होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से शरीर और टूट चुका होता है। ये वाला फेस आपको बहुत आराम से करना है, अपनी बॉडी को एग्जर्ट ना करें। धीरे धीरे आराम आराम से पैर रखते हुए आप ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर आप एनर्जी में विश्वास नहीं करते, अगर आप शिव में विश्वास नहीं करते, तो मेरा चैलेंज है कि एक बार आप इस ट्रैक पे आके देखिए, क्योंकि इस सफर से आगे सिर्फ हर हर महादेव गूंजते हुए आप ऊपर पहुंच सकते हैं। करीब 800 मीटर की दूरी से जब पहली बार आपको वो विशाल शिवलिंग नजर आता है तो सारी थकान दूर हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाएंगे और दिल में इतने इमोशंस आ जाएंगे जो शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। So finally, श्रीखंड महादेव पे, वो भी दिखा दो, श्रीखंड महादेव पहुंचने ही वाले हैं। बिल्कुल जान खत्म हो गई है, ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से ऑक्सीजन लेवल इतना कम है। बस अभी 5 मिनट में पहुंचने ही वाले हैं। I'm here at Shrikhand Mahadev Peak. Finally, we made it. It's an awesome feeling. It took so much effort to reach here, but somehow we managed to reach here. It's really amazing.
आशा करते हैं ये एपिसोड आपको काफी रोमांचक लगा होगा। अगले हफ्ते लेकर चलेंगे एक और खूबसूरत सफर पर। तब तक कमेंट्स में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी।